जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। तंत्र गुरु चरण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है? इस वृक्ष को क्या फल मिलता है? इस वृक्ष को देखने से, पूजा पाठ करने से या छूने से? आज का मेरा यही टॉपिक है। आयुर्वेद में भी इस कल्प वृक्ष का उल्लेख है। ये पेड़ का पूजा पाठ करने से या पेड़ को छूने से ही अनंत कोटि गुना फल मिलता है। आज के इस वीडियो में इस विषय में हम लोग कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन शास्त्र में बहु प्रकार के मतांतर है इस पेड़ को लेकर। मैं मतांतर में नहीं जाऊंगा। मैं जो पाया हूं इस वृक्ष को लेकर, मैं आप लोगों के सामने वही बता रहा हूं। श्रीफल के वृक्ष को कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। प्राचीन शास्त्र में उल्लेख है, महालक्ष्मी श्रीशैलम पर्वत में कठोर तपस्या किए थे भगवान शंकर के। भगवान शंकर उस तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए थे। उसके बाद माता लक्ष्मी ने श्रीफल के पेड़ के रूप धारण कर किए और अपने फूल फल और पत्र से, बेलपत्र से भगवान शंकर की आराधना किए। तब जाके भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वरदान के स्वरूप ये जो बेलफल है, श्रीफल के नामकरण हुआ। तो ये पेड़ का फूल फल पत्र और इसका लकड़ी को घिसने के बाद जो चंदन निकलता है, ये कुछ भी से भगवान अगर शंकर का हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर के प्रिय पात्र होते हैं। शास्त्रीय मूल लेख है, भगवान शंकर को ये पेड़ प्रिय, बहुत प्रिय है। इस पेड़ के ऊपर हर देवी देवता का वास है। इस पेड़ के इर्द गिर्द हर देवी देवता रहता है। इस पेड़ जहाँ पे रहता है वो काशी क्षेत्र के समान माना जाता है। उस पेड़ के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है, जो जगह है, वो बहुत पवित्र और गंगा के तुल्य भी माना जाता है। ये पेड़ तंत्र शास्त्र में जितना महत्व है, प्राचीन वैद्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र में भी उतना ही महत्व था इस पेड़ का, और है और आगे भी रहेगा। आप लोग देखे होंगे बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जप आराधना किए। इस वृक्ष का कल्प वृक्ष नाम इसलिए ही पड़ा है, इस वृक्ष के, इस पेड़ के जो नीचे अगर बैठकर कोई भी इच्छा, कोई भी आराधना करते, कोई भी संकल्प लेते, संकल्प पूर्ण हो जाए तो अभीष्ट सिद्ध होता है। इसलिए इस वृक्ष का कारण क्या है मित्रों? इस वृक्ष के जो पेड़ के जो पेड़ जो है, इस पेड़ का पेड़ में संपूर्ण देवी देवता का वास है। इस पेड़ का जो पत्ता है, जैसे बेल पत्र हम लोग बोलते हैं, पेड़ का जो पत्ता है वो पत्ते पत्ते का रूप माने भगवान शंकर का जटा के रूप में माना जाता है। वो पत्ते को तीन पत्ता यानी कि तीन वेद के समान होता है। ठीक है, आप सोचिए, तीन पत्ता तीन वेद के समान है तो कितना पावरफुल है, कितना महत्व इस श्रीफल के वृक्ष को दिया है, पेड़ को दिया है। इस तंत्र शास्त्र में आप लोग देखे होंगे, तंत्र शास्त्र में उल्लेख है, एक बिल्लोमूल साधन बोल के एक उल्लेख है। बिल्लोमूल साधन इस पेड़ के नीचे बैठ के किया जाता है। इस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत बड़े महापुरुष सिद्ध हुए हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण के बारे में आप लोग बहुत लोग जानते हैं, जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। काली मंदिर में ठाकुर रामकृष्ण का, जो ठाकुर रामकृष्ण जहाँ पर बैठ कर पूजा पाठ अनुष्ठान करते थे, जिस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे अपना पंचमुंडी का आसन स्थापन किए थे, अभी भी वो पेड़ वैसे वैसे ही है। तो और भी बहुत संत महापुरुष इस पेड़ के नीचे बैठकर अपना साधन अनुष्ठान करते थे। इस पेड़ का महत्व आपके घर में, इस पेड़ कोई भी दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो, पश्चिम दिशा, उत्तर या दक्षिण, कोई भी दिशा में हो, आपका हर रूप से आपका लाभ ही पहुंचेगा, आपका कल्याण ही होगा। ये पेड़ इतना वास्तु को रिफाइन करता है, वास्तु दोष को हरण करता है। और इस पेड़ का एक महत्व आपको बोलता है, आयुर्वेद में इस पेड़ का हर प्रकार में काम में आता है। इसका फल, छोटा फल ले लीजिए, बड़ा जब फल इसका पक जाता है तब भी काम में आता है, छोटा फल तो और भी ज्यादा काम में आता है। इसका पत्ते का आज मैं एक प्रकार बता रहा हूँ, आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल होता है। इसका पत्ता आप चार पांच पत्ता ले लीजिए, लेने के बाद इसका चटनी बनाइए। बनाने के बाद उसको, उसका पत्ते को आप 1 ग्लास पानी में, पानी हिसाब से लीजिए और उसको गर्म कीजिए। इतना गर्म कीजिए जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद वो पानी को आप लोग ठंडा करके सुबह और पानी को पीजिए। आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका शुगर है, ये तीनों में बहुत ही लाभदायक आपका सिद्ध होगा वो पत्ता। इस्तेमाल करके देखिए, आपका हाई ब्लड प्रेशर तो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। तो सोचिए ये वृक्ष
कितना लाभदायक है, इसलिए इस वृक्ष का नाम है कल्पवृक्ष। इस वृक्ष को आप लोग अगर आपके घर में है तो वृक्ष को पूजिए, नहीं तो छोटा सा गमले में इस वृक्ष को लगाइए और सुबह शाम इस वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाइए और आपका जो भी इच्छा है हाथ जोड़ के इस वृक्ष को काली मानिए, दुर्गा मानिए, सरस्वती मानिए, कोई भी मानिए, ठीक है। दस महाविद्या का हर समय निवास है, 33 वर्ग का देवता हर समय इस वृक्ष के आजू बाजू में रहता है। इतना पावरफुल और इतना माने शक्तिशाली ये पेड़ है। आप इस वृक्ष को पूजिए, इस पेड़ को पूजिए और आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी इच्छा है, हाथ जोड़ के उस कल्प वृक्ष को बोलिए। मेरा विश्वास है आपका इच्छा पूर्ण होगा। आपके स्क्रीन में जो फोटो जा रहा है मित्रों, ये फोटो देखिए, ये अपने मुंडमाली काली मंदिर का फोटो है, ठीक है। ये अपने मंदिर का ही पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मेरा पंचमुंडी का आसन है। इस पेड़ के नीचे बैठकर मैं कोई साधना करता हूँ, कोई भी जप अनुष्ठान होता है तो इस पेड़ के नीचे करता हूँ। बहुत प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े साधु हुए, संत हुए, बहुत लोग इस ऐसे ही बेसीफल के पेड़ के नीचे बैठकर ही साधना अनुष्ठान करते थे। आप भी आपके घर में अगर जगह है तो बड़ा पेड़ लगाइए, जगह नहीं है तो गमले में पेड़ को रखिए और पूजा पाठ कीजिए। मेरा विश्वास है आपके पूजा पाठ से भविष्य सिद्ध हो जाएगा। ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लेकर इसको कीजिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, इसको कीजिए, विश्वास और भक्ति के साथ कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हरिओम तत्सत।